अच्छा है, लेकिन सिफारिश कहाँ है? सर मैं समझा नहीं, मतलब देखिए मिस्टर, जब तक आपके पास किसी पॉलिटिकल नेता या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन की कोई सिफारिश नहीं होगी, तब तक हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। आपकी औकात क्या है? आप एक किसान के बेटे हो जिसे ABCD नहीं आती है। आप इस पोस्ट के लायक भी हो, गेट आउट, जाओ यार, जाओ। कुछ नहीं पापा, मेरी खामोशी देख के लग रहा है क्या हुआ होगा वहाँ। आपकी औकात क्या है? आप एक किसान के बेटे हो जिसे ABCD नहीं आती है। आप इस पोस्ट के लायक भी हो, गेट आउट। मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है, नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़ दे, मेरे साथ खेतों के काम में हाथ बटा, लेकिन नहीं, तो सुन के नहीं देता। अरे नौकरी वोकरी अपने बस की बात नहीं है, हमारे लिए एक ही नौकरी है फौज की, और उसके लिए भी हमारी जमीन बिक जाती है। अबे शकल ठीक करो, घर चल, कल से खेतों के काम के लिए तैयार रहना। किसान के जीवन की कुछ ऐसी कहानी है, कभी सूखा तो कभी ज़्यादा बारिश, हमें कर्जे के सहारे ही जिंदगी बितानी है। हजारों पॉलिटिकल नेता आए और वोट मांगकर चले गए, लेकिन किसान की समस्या किसी ने हल नहीं की। हमारा कर्जा किसी ने माफ नहीं किया। हमारे देश के पॉलिटिक्स नेता, बड़े व्यापारी विदेशों में बैठकर महंगी शराब पीते हैं, वहीं हमारे देश का किसान और गरीब होता जाता है। उसे 10 रुपए की सब्जी भी महंगी लगती है। अगर उसकी फसल बाढ़ और सूखा से बच जाती है तो उसे अपने अनाज के इतने पैसे नहीं मिलते कि वो अपने परिवार को 2 टाइम का खाना खिला सके। फौजी भाई, मेरे आपके जैसे हालात नहीं, आपकी तो शहीदे पर मेडल मिल जाते हैं, लेकिन मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं। गाइस वीडियो को लाइक करना मत करना, कमेंट करना मत करना, लेकिन प्लीज यार वीडियो को शेयर जरूर करना प्लीज।